नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं आठवीं कक्षा की एक्सरसाइज 4.3 प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय की। तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे, क्या स्टेटमेंट दी है, कैसे हल करना है, हम देखते हैं। चतुर्भुज एम ओ आर ई, जिसमें एम ओ 6 सेंटीमीटर है, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर है, कोण एम 60 डिग्री है, कोण ओ 105 डिग्री है, कोण आर 105 डिग्री है। देखो, चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कम से कम 5 जो माप हैं इसके चाहिए। तो यहां पे भी देखें, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों के पांचों माप हमें दे रखे हैं। तो इसकी रचना कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो MO 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ करोगे MO, क्लियर। उसके बाद O पर हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, O बिंदु पर 105 डिग्री का कोण। आप यहां पे कोण बनाने का जो तरीका है, अगर तो आपको प्रकार से आता है तो आप प्रकार से कोण बनाएं, अगर प्रकार से कोण बनाना नहीं आता प्रॉपरली, क्योंकि इसके बीच कई बार कोण ऐसे भी दिए जाते हैं जो प्रकार से बनते ही नहीं है, जैसे अगले क्वेश्चन करेंगे हम, उनके अंदर 85 डिग्री का कोण भी इन्होंने बता रखा है, 85 डिग्री का कोण जो है वो प्रकार की सहायता से नहीं बन सकता। इसलिए इन रचनाओं के अंदर हम डी जो होती है हमारी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 105 डिग्री का कोण आप ओ बिंदु पे डी की सहायता से बनाओगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, डी से जब हम कोण बनाते हैं तो दोनों साइड से 105 आता है, हमने किस साइड से 105 लेना है, लेफ्ट साइड से लेना है, बाईं तरफ से लेना है 105 डिग्री, ठीक है। यहां से शुरू होगा ये, इस साइड जाएगा। तो 105 डिग्री का कोण बना के हमने ये लंबी रेखा खींच ली यहां पे, ठीक है। उसके बाद ओ आर हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, तो आप 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलोगे, ओ बिंदु पर रखोगे और एक चाप लगा दोगे। जैसे ही आप चाप लगाओगे तो ये लंबी रेखा जो आपने खींची थी कोण वाली, ए आर बिंदु पर कट जाएगी, बाकी इन्होंने मिटे रखी है यहां पर, ठीक है। अगर वो आपकी पड़ी रहती है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी रेखा की बात करता हूं, जब आपने 105 डिग्री का कोण बनाया था तो ओ बिंदु पर हमने वो जो कोण था उसकी एक जैसे करके आर्म ड्रॉ की थी, ठीक है, जो आगे तक हमने बढ़ाई थी, और फिर ओ आर हमने 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर ओ को त्रिज्य केंद्र मानकर एक चाप लगा दी जो आर बिंदु पर कटती है, क्लियर। उसके बाद क्या है, M जो कोण है वो इन्होंने 60 डिग्री कह रखा है, तो M पर आप 60 डिग्री का कोण बनाओगे आगे तक, इसकी जो आर्म है, बाजू है, इसको खींच दोगे। और R बिंदु भी हमें पता चल चुका है, R बिंदु पर आप कोण बनाओगे 105 डिग्री का, जो इस साइड से शुरू होगा और इस साइड जाएगा, ठीक। अब एक कोण 105 का इस साइड बन गया, 60 डिग्री का इस साइड बन गया, दोनों की दोनों भुजाएं ई बिंदु पर कटेंगी, तो हमें ई बिंदु भी पता चल जाएगा। सभी बिंदुओं को आपस में मिला दें तो आपके पास जो अभीष्ट चतुर्भुज है वो प्राप्त हो जाएगी, क्लियर। बड़ा आसान प्रश्न है ये सारे, अगर आपको फिर भी कुछ भूल जाता है मेरा बताया हुआ, तो आप इसकी रचना के चरण है जो, इनको फॉलो करते जाएं, आपकी जो चतुर्भुज है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने कहा है चतुर्भुज बनाएं पी एल ए एन प्लान, जिसमें पी एल दे रखा है, एल ए दे रखा है और 3 कोण दिए गए हैं। सेम उसी तर्ज पे ये प्रश्न हल होगा जैसे हमने पिछला किया था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें एल कोण का पता होना चाहिए, ठीक है। बताता हूं क्यों पता होना चाहिए एल कोण।
ये देखें पहले PL 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली हमने PL, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद P बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण आपको प्रकाश से भी आता है, प्रकाश से नहीं बनाना तो आप D की सहायता से कोण बना सकते हैं। तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। इफ डायग्राम में 90 डिग्री का कोण प्रॉपर नहीं बना हुआ, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 90 डिग्री का कोण थोड़ा सा कम है 90 से, तो आपने इसको प्रॉपर ड्रॉ करना है। डायग्राम थोड़ी सी गलत है। P बिंदु पर आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद कोण L, देखो L हमें पता नहीं है, L कोण हमें पता नहीं है, तो L कोण को हम कैसे निकालेंगे? बेटा अगर आप इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो कोण P आपको दे दिया, कोण A दे दिया, कोण N दे दिया। चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़कर 360 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास चौथा कोण कोण L प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कोण L जो है 360 में से तीनों दिए हुए कोणों को जोड़कर माइनस कर दिया तो 75 डिग्री का कोण आपके पास L आ गया। अब L बिंदु पर आपने 75 डिग्री का कोण बनाना है D की सहायता से। उसके बाद आपको एल ए 6 सेंटीमीटर दी गई है, आप एल ए 6 सेंटीमीटर खींचोगे। कैसे? 6 सेंटीमीटर की प्रकार को लोगे, एल को केंद्र मानकर चाप लगा दोगे। जैसे ही आप चाप लगाओगे जो हमने कोण खींचा था वो ए बिंदु पर कट जाएगा, ठीक है, वो चाप। तो इस तरह हमें ए कोण जो है वो सॉरी ए बिंदु पता चल गया। अब ए बिंदु पर 110 डिग्री का कोण है जो इसने कहा हुआ है, हम 110 डिग्री का कोण यहां पे बना देंगे, क्लियर। जैसे ही यहां पे हम 110 डिग्री का कोण बनाएंगे वो ये 90 डिग्री वाले कोण की भुजा को एन बिंदु पर काट देगा। अब आप ध्यान से देखें, इन्होंने कोण एन हमें दे तो दिया था लेकिन हमें एन जो कोण है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये अपने आप बन जाएगा। हमें जो कोण चाहिए था वो बेस का चाहिए था, आधार का। इसीलिए आधार का कोण निकालने के लिए हमने तीनों कोणों को 360 में से माइनस कर दिया तो 75 डिग्री हमारे पास आधार का कोण L मिल गया, क्लियर। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न के अंदर समांतर चतुर्भुज बनाए कहता है HEAR, जिसमें HE दे रखी है, EA दे रखा है, कोण R दिया है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ने कहा था कि समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम 5 मापों की आवश्यकता होती है, लेकिन बेटा इसमें भी 5 ही दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए अगर HE दे दिया तो AR तो अपने आप पता चल गया, EA दे दिया तो RH अपने आप पता चल गया। दो कोण वहां से, दो भुजाएं वहां से पता चल गई अपने आप, दो दे रखी है, एक कोण दे रखा है, तो टोटल कितने माप हो गए हमारे पास? 5 माप हो गए, क्लियर। अब इसकी रचना कैसे करेंगे? अब देखो कोण हमें इन्होंने R दिया हुआ है, कितने डिग्री का? 85 का। अगर R कोण 85 का है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं HE जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्लीज एक मिनट के लिए वेट करें, मैं अभी कंटिन्यू करता हूं इसको। हां जी बेटा जी, यहां पे देखें मैंने आपको बताया कि एच ही हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम एच ही 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो हमें, आपको पता है कि चतुर्भुज की रचना करने के लिए बेस के दोनों कोण चाहिए, आधार के दोनों कोण चाहिए, ठीक है। ये आर इसने 85 डिग्री का दिया था
उसके सामने वाला कोण ई ऑटोमेटिक 85 का आ गया, लेकिन एच हमें पता नहीं है, तो एच ज्ञात कैसे करेंगे? अगर आपको याद हो तो समांतर चतुर्भुज के कोई भी दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए अगर हम एच ज्ञात करना चाहते हैं तो 180 में से 85 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एच कोण आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये देखो इन्होंने भी लिख रखा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। अब देखें, हमने एच ही ड्रॉ कर ली, दोनों कोण पता है आधार के, ये दोनों साइड्स पता है 6 सेंटीमीटर हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी जो समांतर चतुर्भुज है वो आपको क्लियर हो गई कि कैसे बनानी है। एच ही ड्रॉ कर ली, जहां पे आप 95 डिग्री का कोण बनाओगे और एक वहां पे भुजा इसकी ड्रॉ कर दोगे कोण, यहां पे 85 डिग्री का कोण बनाओगे, क्लियर। अब देखें, ये चीज आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है एच आर, तो एच बिंदु पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाओगे तो आर बिंदु पता चल गया। इसी तरह ई बिंदु पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर चाप लगाओगे तो ए बिंदु पता चल गया। सभी बिंदु पता चल गए हैं, आपस में मिलान कर दो इनका तो आपके पास समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। प्रश्न नंबर 4 जो लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, ये उससे भी आसान है। इन्होंने कहा है कि एक आयत बनाएं ओके, अब फिर बच्चे सोचेंगे कि आपने तो कहा था किसी चतुर्भुज के लिए हमें 5 मापों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पे तो 2 ही दिए गए हैं बेटा, इसमें 2 नहीं दिए, इसमें तो काफी ज्यादा दे रखे हैं। क्यों? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो 2 दे रखी हैं, 2 ऑटोमेटिक पता चल गई, तो कितनी हो गई 4 माप हो गए ना 4। अब पता है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 4 वो पता चल गए, तो इसमें तो 8 माप पता है हमें, क्लियर। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल आसान है जी, पहले ओके ड्रॉ करोगे, ओ और के एक रेखाखंड, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, यहां पे 90 डिग्री का कोण बना दोगे, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बना दो, क्लियर, ओ पर और के पर। अब पता है कि के ए 5 सेंटीमीटर है, अगर के ए 5 सेंटीमीटर है तो ओ वाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलोगे, ओ और के पर रखकर चापे लगा दोगे तो आपके पास ए और वाई दोनों के दोनों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, के बिंदु पर रखनी है, यहां पे एक चाप ड्रॉ कर देनी है, तो ए मिल गया, 5 सेंटीमीटर वही प्रकार खोलकर ओ बिंदु पर रखकर एक चाप लगानी है तो वाई पता चल गया, वाई ए को मिलाएं तो चारों की चारें भुजाएं आपस में मिल चुकी हैं, इसलिए हमारे पास आयत प्राप्त हो जाएगा। ये एक्सरसाइज काफी आसान भी थी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में से अक्सर ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं और मैंने काफी बार देखे हैं, इसलिए सभी बच्चे इस एक्सरसाइज की काफी अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।